तो पिछले 2 दिनों से मैं इसी का इंतज़ार कर रहा था और ये डिलीवर हुआ मुझे 2 दिन पहले। और इन 2 दिनों तक मैंने इसको ऐसे ही छोड़ दिया क्योंकि पता नहीं किस किस ने इसको टच किया और कहाँ कहाँ हो गया ये। तो सेफ्टी ज़रूरी है अभी के टाइम पे। तो अभी मैं इसको, तो ये है मेरा नया माइक, फोकस नहीं हो रहा होगा। हो जा। तो ये है मेरा नया माइक GoPro के लिए। तो ये रहा मेन माइक और इसका जो मेन चीज है वो है ये कनेक्टर, TRS या फिर कुछ कहते हैं इसको, मैं भूल गया इसको क्या कहते हैं, TRS कनेक्टर शायद। तो ये जो कनेक्टर है वो हमारे GoPro पे, GoPro के जो एडाप्टर है उस पर लग जाता है डायरेक्ट, और उसके बाद इसका जो माइक है वो लग जाता है यहाँ पे, और उसके बाद जो अच्छा साउंड क्वालिटी हमें सुनाई देती है शायद, और इसके साथ एक क्लिप भी मिलता है। और यह रहा हमारा पुराना माइक जो सिर्फ मोनो ऑडियो रिकॉर्ड साउंड करती है और एक ही कान में सुनाई देती है, और कभी कभार डिसकनेक्ट भी हो जाती है और चिड़चिड़ आवाज़ भी करती है। तो बहुत सारे गुण हैं इसमें। तो ये स्कूटी के साथ मैं व्लॉग बहुत ही कम करता हूँ क्योंकि लोगों को जो है वो सिर्फ RS 200 देखना पसंद है। तो यहाँ पे कर दिया मैंने एक गलती, और गलती ये किया मैंने कि मैंने अपने GoPro के ऑडियो सेटिंग्स पे माइक्रोफोन का, एक्सटर्नल माइक्रोफोन का जो साउंड है वो मैंने 20 dB प्लस करके रखा था पहले से ही, और बाहर निकला तो उससे पहले मैंने उसका जो सेटिंग है वो मैंने चेंज नहीं किया, न्यूट्रल पे नहीं किया मैंने उसको। तो इसके कारण जो मेरा ऑडियो है वो ज़्यादातर फट रहा था, चिड़चिड़ा आवाज़ फिर से सुनाई दे रहा था। तो यहाँ पे मैंने गलती कर दिया, तो नेक्स्ट टाइम जब मैं ब्लॉग करूँगा तो उसको मैं ठीक कर दूंगा, क्योंकि ये जो सेटअप है वो बहुत सारे यूट्यूबर यूज़ करते हैं। आयुष वर्मा के वीडियोस तो आप देखते ही होंगे, तो भाई भी यही सेटअप यूज़ करते हैं अपने मोटो व्लॉगिंग पे, तो उनका जो ऑडियो क्वालिटी है बहुत ही अच्छा है मेरे हिसाब से, तो मेरा वाला भी सेम होना चाहिए। तो नेक्स्ट वीडियो पे आपको ऑडियो क्वालिटी अच्छा मिल जाएगा। इस वीडियो में थोड़ा बहुत जुगाड़ लगा के ठीक करने की कोशिश करूंगा, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि जो ऑडियो है मैं ठीक कर पाऊंगा। और दूसरा गलती ये किया मैंने कि मेरा जो ऑडियो है वो मैंने पहले देखा नहीं शूट करके, एक बार भी मैं डायरेक्ट निकल गया व्लॉग करने के लिए एकदम कॉन्फिडेंस के साथ, तो ओवर कॉन्फिडेंस भी ठीक नहीं होता। चाहे कुछ भी चला लूँ मैं, अच्छा से अच्छा बाइक चला लूँ, लेकिन इसको चलाने का जो मज़ा है और जो कम्फर्ट है वो मैं बयां नहीं कर सकता। तो अभी मैं जा रहा हूँ अपने एक दोस्त को पिक करने, और उसको लेके जाऊंगा उसके बाद मारुति सुजुकी के शोरूम पे, क्योंकि उसको लेना है कार। और आज बाइक लेके इसलिए नहीं निकला घर से क्योंकि हमारे यहाँ पे जो गाड़ियाँ हैं वो ऑड और इवन नंबर के हिसाब से निकलते हैं, दिन ऑड नंबर तो एक दिन इवन नंबर। तो आज मेरी जो RS है उसका नंबर आज नहीं है, आज इसका नंबर है। तो शिवा का घर कहाँ गया था भाई, यार भूल गया मैं। तो बेस लगे। तो हम चला रहे हैं अभी R15 V7, काफ़ी दिनों बाद इसे भी चला रहा हूँ आज मैं। ठीक है, हाँ ये का जो आवाज़ है, एग्जॉस्ट जो साउंड है वो लो RPM में थोड़ा सा मुझे सुनने में अच्छा लगता है क्योंकि बेस है इसमें। तो 2 दिनों बाद आज चला रहा हूँ यामा R15 V3 जो मेरे दोस्त का है, आया था कुछ काम से तो मिल गया, तो सोचा इसको चला लेते हैं, थोड़ा सा कंटेंट भी मिल जाएगा। और ये मेरा प्यारा सा स्कूटर मेस्ट्रो जिसका बैटरी पूरी तरीके से ख़त्म हो चुका है, इसलिए स्टार्ट है अभी। तो ये क्या ऑन, ये दिया स्टार्ट, पहले ही चला चुका हूँ मैं इसको, अब ऐसे दिखा रहा हूँ आपको। ओए होए,
इस वाले मॉडल में ABS नहीं है तो ब्रेकिंग में थोड़ा सा सावधानी बरतना जरूरी है। तो V3 के लिए जो GoPro की जो कैमरा एंगल है वो थोड़ा सा मुझे अपर रखना पड़ता है, क्योंकि वो जो बाइक है थोड़ा सा लीन है। तो अगर मैं अपनी स्कूटी और RS की तरह जो कैमरा एंगल में रखूँगा तो व्यू एंगल कुछ अच्छा दिखाई नहीं देगा, थोड़ा सा डाउन रहेगा, तो इसके लिए अपर रखना ज़रूरी है। और ये आ रहा है या नहीं भाई? स्मूद है RS के मुकाबले। जो पिकअप है वो नहीं है उसमें, एक वो मशीन है सिर्फ, क्योंकि RS में एक इंस्टेंट पिकअप होती है, लेकिन एक 155cc के मुकाबले ये जो बाइक है वो मेरा फेवरेट है, क्योंकि ऐसा बाइक 157 में आपको और दूसरा कोई देखने को नहीं मिलेगा, ये पक्का है। और आज यार मैं ग्लव्स लाना भूल गया, घर से रबर ग्लव्स घर जाके अच्छे तरीके से हाथ धोना पड़ेगा। और हेलमेट के अंदर मास्क वगैरह मैंने सब कुछ लगा के रखा है, तो सांस लेने में थोड़ी बहुत दिक्कत हो रही है, लेकिन कुछ नहीं, सेफ्टी आया है, थोड़ा बहुत सांस आए या ना इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होता, लेकिन कोरोना नहीं होनी चाहिए बस। मैंने अपने गेमिंग चैनल पे पहला वीडियो अपलोड कर दिया है और उस पर बताया कितने व्यूज़ आए, 20 व्यूज़, सिर्फ और सिर्फ 20 व्यूज़। और आप लोग के होते हुए सिर्फ 20 व्यूज़ ये मुझे अच्छा नहीं लगा। इस चैनल पे आप प्यार दे रहे हो तो उस चैनल पे जाके थोड़ा बहुत प्यार दे देना। मैं उस वीडियो का जो लिंक है वो मैं दे दूंगा अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे। और मैंने इस चैनल पे कम्युनिटी पोस्ट भी किया था एक अपने दूसरे चैनल के वीडियो के बारे में, लेकिन YouTube पता नहीं क्या कर रहा है, मेरा जो पोस्ट है वो किसी को शायद शो नहीं हुआ होगा। तो जाओ उस चैनल पे जाके वो वाला गेमिंग वीडियो देख लो और थोड़ा सा प्यार बरसाओ उस चैनल पे भी। तो अभी टाइम हो चुका है शाउट आउट देने की, तो जल्दी से शाउट आउट दे देता हूँ। तो आज का जो पहला कमेंट है वो है, भाई सबको शाउट आउट दे रहे हो, मुझे भी दे दो नेम आधार। तो आधार भाई शाउट आउट टू यू। और जो नेक्स्ट कमेंट है वो है, अभिरूप मुखर्जी भाई प्लीज शाउट आउट। तो अभिरूप मुखर्जी शाउट आउट टू यू। और नेक्स्ट कमेंट है, बाइक वाले राइडर नाइस ब्रो, तो थैंक यू सो मच, इनका भी यूट्यूब पर चैनल है, जाके एक बार देख लेना। और नेक्स्ट कमेंट है, व्हील्स ऑफ लाइफ नाइस ब्लॉग अप्रिशिएटेड वर्क, तो इनका भी यूट्यूब पर चैनल है, ब्लॉगिंग चैनल है, तो इनका भी चैनल जाके एक बार देख लेना। इन दोनों के साथ मैंने इंस्टा पे थोड़ी बहुत बातचीत की थी, कोई पेड प्रमोशन नहीं है, ऐसे ही मैं बता रहा हूँ आपको, चेकआउट कर लेना। और अगर आपको भी शाउट आउट चाहिए तो कमेंट कर देना, कुछ भी अच्छा कमेंट कर देना और उसके साइड में शाउट आउट लिख देना, ताकि मुझे शाउट आउट देने में आपको आसानी हो जाए, क्योंकि मैं अपने हर वीडियो के एंड में आप में से कुछ लोगों को शाउट आउट देने की कोशिश करता हूँ। और जो मैंने माइक खरीदा है इसका लिंक मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन पे, वहाँ से जाकर आप खरीद सकते हो। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। गेमिंग चैनल पे जाके देख लेना वीडियो, थोड़े बहुत लाइक भी कर देना, सिर्फ 10 लाइक की मैंने एम रखा था उस वीडियो पे, अभी तक सिर्फ 8 लाइक ही हुए हैं। जल्दी से जाओ कर दो लाइक सब्सक्राइब सब कुछ, मिलते हैं अगले वीडियो में।